छिंदवाड़ा, विपिन जरा बताइए, छिंदवाड़ा में बताइए वोटिंग कैसी चल रही है। मध्य प्रदेश की रिपोर्ट तो बड़ी अच्छी आ रही है, बहुत तेज वहां पर वोटिंग चल रही है, 30% के ऊपर है 4 घंटे में। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वोट 4 घंटे में बहुत तेजी से बढ़ा है। शुरुआती दौर में जब वोट का परसेंटेज तब इतना तेज नहीं था, लेकिन इन 4 घंटे में तेजी से वोटिंग हुई है। इस वक्त मैं छिंदवाड़ा में आपको दिखा रहा हूं कि जो वोट करके आए हैं, और सबसे बढ़िया सीधी बात करते हैं कम शब्दों में कि मुद्दा क्या था, किन मुद्दों को लेकर? मुद्दा का है का रखा कोई मुद्दा नहीं है, चुनाव है तो वोट डालना है। कुछ सोच के कि क्या क्या, क्या है? आज तक वोटरों की इज्जत है, कल के बाद कौन पूछ रहा है वोटरों को? कौन पूछ रहा है? कोई नहीं पूछता। 5 साल तो घूम नहीं है, नेताओं के चक्कर लगाना और क्या रखा। यही तो विषय है कि आप 5 साल के बाद जब हम किसी को चुनते हैं तो कोई तो सोचते होंगे कि कौन कितने भी आते हैं, यही बोलते हैं ये करवा देंगे वो करवा देंगे, कुछ नहीं। जो देश का काम होना वो होता ही रहेगा, कोई भी पार्टी आए सिलो नहीं तो धीरे धीरे होता ही रहता है काम। आप क्या कहती हैं कि आप जब अंदर वोट डाल के आई हैं तो क्या सोचा होगा, दिमाग में क्या आया होगा, कौन बेहतर है, किसके काम बेहतर है, या फिर क्या होना चाहिए? जो बेहतर काम कर रहा वो नतीजा बताएगा, है ना? नतीजा बताई देगा जो बेहतर काम। अब जो अभी तक काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, सबको रोजगार मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है ना, लाडली बहना योजना मिल रही है, सभी तो मिल रहा है ना। बस कमलनाथ शिवराज की हम बहुत इज्जत करते हैं, दोनों की बहुत इज्जत करते हैं, कमलनाथ और शिवराज दोनों की बहुत इज्जत करते हैं। दोनों अपने अपनी जगह एक नंबर है इस वक्त, तो बंटी साहू और नकुल नाथ है ना, उससे उनके जरिए तो है ना, आने की बात पता लगेगा, उनके जरिए है ना, आने की बात पता लगेगा, है कि नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग और हैं यहाँ पर, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अजी क्या लग रहा है आपको, किस किन सोच के साथ, क्योंकि आप काफी तजुर्बेकार हैं, कई बार दफा वोट दिया होगा इसी छिंदवाड़ा में, इस बार आपको क्या माहौल दिख रहा है, आपको किन मुद्दों को लेकर आप देख रही हैं? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, और हमें सब मुद्दों को देख के सब अच्छा चल रहा है माहौल हमारा, माहौल जी। अच्छा ठीक है, कुछ लोग और वोट डाल के आए उनसे बात करेंगे। क्या मुद्दा, क्या सोच? मुद्दा तो कुछ नहीं है, सोच भी होगी, छिंदवाड़ा जैसी जगह पर हैं। छिंदवाड़ा भैया वो क्या है, ये जो वार्ड है वार्ड नंबर 30, यहाँ 100% कांग्रेस को वोट डालते थे, मगर अभी क्या है यहाँ पर हम कांग्रेस को वोट डाल के करेंगे क्या? नहीं नहीं, कांग्रेस वाली बात नहीं, बात ये हो रही है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर मुद्दे भी तो होते हैं कि आपको क्या चाहिए, विकास चाहिए, रोजगार या कोई और चीजें हैं जो आप? विकास भी होना, रोजगार भी होना, विकास भी नहीं हुआ, रोजगार भी होना, रोजगार होना, विकास होना, यहाँ तो खाली पीली सब पड़े हुए हैं ना जी, हम विकास और रोजगार के लिए ही वोट डालने आए हैं यहाँ। विकास और रोजगार, बस बस विकास विकास यहाँ हुआ है अब तक, कहाँ का कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं। अच्छा देखिए यहाँ पर काफी लोग हैं वोट डालते हुए आ रहे हैं, अभी यहाँ पर उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है आपको, क्या सोच के, कुछ सोच के आए वोट डालने आए? क्या सोच, क्या देखिए वोट डालते वक्त चेहरा भी दिखता है, पार्टी भी दिखती है, मुद्दे भी दिखते हैं, आपकी खुद की समस्याएं दिखती हैं? 40 साल से जो पार्टी दिख रही है वही पार्टी दिखती है अपन को तो। अच्छा क्यों? विकास कर रहे हो, छिंदवाड़ा आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया, पहले गांव था नहीं तो। कुछ लोग कहते हैं कि परिवार चलता आ रहा है, परिवार चलता आ रहा है, वो तो जो चला रहे होंगे उनके लिए है भाई। अच्छा आप क्या कहेंगे? जी जी बिल्कुल, विकास को देख के वोट किया। ओके विपिन, विपिन लौटूंगा, विपिन मुझे